हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो हमारा ये सीरीज चल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जहां पे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो इससे पहले तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसके पहले तीन चैप्टर, और उससे पहले बिल्डिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया, और बिल्डिंग मटेरियल का गुप्ता एंड गुप्ता से एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए लगभग 350 सवाल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो कि है चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। नया चैनल है तो आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सिंपल सा मतलब इसका ये हो गया कि आपको किसी एक प्लेन ने स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया होगा, किसी पे एक्ट करेगा। अब चूंकि बींग अ डिजाइनर, आपको मान लो डिजाइन करने के लिए कहा जाएगा किसी एक बॉडी पे कोई स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि इस बॉडी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन कब लगेगा, तभी तो डिजाइन कर पाएंगे सेफ डिजाइन करना चाहते हैं। क्योंकि फोर्स हमने ऐसे लगाया, स्ट्रेस हमने ऐसे लगाया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि किसी और प्लेन में हो सकता है कि कहीं और ज्यादा, इससे भी ज्यादा आपका स्ट्रेस या स्ट्रेन एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा इसको ट्रांसफॉर्म करके। तो मैक्सिमम स्ट्रेस या स्ट्रेन निकालेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे मटेरियल, जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसे फेल होता है, टेंसाइल फेलियर होता है, कंप्रेसिव फेलियर होता है, या शियर फेलियर होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। द स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, जो स्ट्रेसेस होता है एक्टिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। वही बोल रहा है कि कोई भी जो स्ट्रेस एक्ट करेगा किसी भी बॉडी में, उसके इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, किसी भी प्लेन पे, वो क्या होना चाहिए सेफ डिजाइन के लिए, वो कम होना चाहिए जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है। मान लीजिए किसी बॉडी में हमने अलाउ कर रखा है कि 200 MPa, ये इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, तो अब कोई भी लोड एक्ट करना चाहिए तो इससे कम ही करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्ट करेगा, मान लीजिए 300 करेगा, तो बॉडी जो है फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, एज वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वेरीज विद द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। अब हमको पता है कि जो स्ट्रेस वेरी करता है, तो क्या करता है, अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग इंक्लिनेशन पे वेरी करते रहता है। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। हमको निकालना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के किसी ये पर्टिकुलर प्लेन पे एक्ट करेगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हमारा शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, वो अगर हमारा परमिसिबल स्ट्रेस से कम आ गया, इसका मतलब बाकी स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम से कम ही एक्ट हो रहा है, तो वो भी कम ही होगा परमिसिबल स्ट्रेस से। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या कि कैसे हम पर्टिकुलर प्लेन पे स्ट्रेस निकालते हैं फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेस ऑन अ डिफरेंट प्लेन्स। तो एक दिया हुआ स्ट्रेस सिस्टम है, उससे अलग अलग प्लेन पे हम कैसे स्ट्रेस निकालते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कैन बी डन यूजिंग एनालिटिकल मेथड और यूजिंग ग्राफिकल मेथड या मोहर सर्किल मेथड, उसी को बोलेंगे। तो दो तरीका है, एक है एनालिटिकल मेथड, ये दूसरा है ग्राफिकल मेथड, मतलब आपका हो गया मोहर सर्किल मेथड। टेंसर क्या होता है, तो टेंसर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन प्रोड्यूस टेंसर और कंप्रेशन लाइक इफेक्ट। जो एक टेंशन और कंप्रेशन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल याद रखिए टेंसर क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है जो आपका टेंशन या कंप्रेशन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि मास हो गया, फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ठीक है, अगर बात करें टाइप ऑफ टेंसर, तो टेंसर क्या हो गया, कितने तरह का होता है, तो एक होता है जीरो ऑर्डर टेंसर। इट इज दोज टेंसर क्वांटिटीज, या वह टेंसर क्वांटिटीज है विच कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो डिफाइन होता है उसके मैग्नीट्यूड से, जैसे कि मास। मास भी क्या है, टेंसर ही है, लेकिन जीरो ऑर्डर टेंसर है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है, मतलब सिर्फ इसका क्या है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर टेंसर। सिर्फ एक ही उसके पास डायमेंशन होगा जो कि मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि मास। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की बात करें, यह टेंसर क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब इसके पास दो डायमेंशन होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। क्लियर,
सेकेंड ऑर्डर टेंसर की बात करें, इट इज दोज टेंसर, यह वह टेंसर है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन मतलब मैग्नीट्यूड में उसका बताना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर टेंसर का उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा और उसका प्लेन ऑफ एप्लीकेशन बताना पड़ेगा किस प्लेन में एक्ट हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। मैग्नीट्यूड बताना होगा, डायरेक्शन बताना होगा और प्लेन ऑफ एप्लीकेशन बताना होगा। ठीक है, हम देखते हैं पहले प्रिंसिपल प्लेन, क्या देखेंगे, प्रिंसिपल प्लेन देखेंगे। द प्लेन एक्टेड अपन बाय नॉर्मल स्ट्रेस ओनली इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। तो वह प्लेन जिस पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, मतलब कोई सीयर स्ट्रेस नहीं लग रहा, मतलब उसमें जो टाउ होगा वो जीरो होगा, ओनली सिग्मा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो उसको उस प्लेन को बोल देंगे प्रिंसिपल प्लेन। मतलब जिस पर सीयर स्ट्रेस जीरो हो उस प्लेन को बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। द वैल्यू ऑफ सीयर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो, वही डिस्कस किया हमने, प्रिंसिपल प्लेन पे जो सीयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अब ये फिगर बोला है कंसिडर करने के लिए, ए बी सी डी आपका, तो एक एक प्लेन, दो प्लेन, तीन, चार, तो सब मतलब क्या है, एक वाई प्लेन हो गया, एक एक्स, एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पे सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। ठीक है, एज द प्लेन्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, जो प्लेन ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है, ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। दीज प्लेन्स आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि सीयर स्ट्रेस जो है सभी पे जीरो है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नोन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का उसको क्या देंगे हम, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा वन से डिनोट करेंगे। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा इसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसको बोलेंगे सिग्मा टू, तो सिग्मा वन, सिग्मा टू। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, टेंसर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन प्रोड्यूस टेंशन और कंप्रेशन लाइक इफेक्ट। तो टेंसर क्या है, टेंसर क्या होता है, देखिए देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता है विच कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर सकता है एक टेंशन और कंप्रेशन लाइक इफेक्ट, जैसे कि मास। ठीक है, मास, फोर्स, स्ट्रेस, ये सब क्या है, टेंसर है। द प्लेन एक्टेड बाई अपॉन बाई नॉर्मल स्ट्रेस, वह प्लेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा उसे क्या देंगे हम, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन्स इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो एक्ट करेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन्स पे उसे क्या देंगे, मतलब जिसपे वह प्लेन जिसपे सीयर स्ट्रेस जीरो होगा उसे प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, और उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा उसे क्या देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस कह देंगे। अब ट्रांसफॉर्म हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड हमने देखा था, मतलब पढ़ना है, एक एनालिटिकल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम पहले देखेंगे। ठीक है, तो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर बार ए बी सी डी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड ऑफ द यूनिट थिकनेस। तो यहाँ पे पहले हम कंसिडर करेंगे एक ए बी सी डी, ए बी सी डी एक बार है, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और थिकनेस यूनिट है। अब इस बार पे मान लीजिए एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल फोर्स सिग्मा वन, सिग्मा वन लग रहा है ऑन फेस बी सी एंड ए डी, एक ए डी फेस पे और बी सी फोर्स पे, यहाँ पे आपका बी सी पे क्या हो रहा है, सिग्मा वन एक्ट कर रहा है। क्लियर है। कंसिडर एन ऑब्लिक प्लेन एफ सी, एक एफ सी हमने कंसिडर किया यहाँ पे, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, जो थीटा से इंक्लाइंड है, विथ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ई एफ और बी सी, विथ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ई एफ और बी सी। ठीक, तो बी सी आपका ये नॉर्मल क्रॉस सेक्शन हो गया, इससे क्या हुआ, थीटा पे इंक्लाइंड होकर आपका एक हमने प्लेन ले लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ऑन दिस ऑब्लिक प्लेन एफ सी। अब क्या करेंगे, इस एफ सी पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, टोटल टेंसाइल स्ट्रेस ऑन फेस बी सी, फेस बी सी पे कितना टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो सिग्मा वन लग रहा है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स ऑन बी सी, अगर बी सी पे हम टेंसाइल फोर्स निकालें तो क्या होगा, पी वन, ये आपका होगा स्ट्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बी सी आपका सिग्मा वन स्ट्रेस हो गया, और एरिया निकालेंगे तो एरिया तो उसका बी सी इंटू क्या होगा, वन, क्योंकि थिकनेस
आपका 1 दिया हुआ है, यूनिट सिग्नेशन एज्यूम किया है। द टेंसाइल फोर्स P1 इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड सेक्शन FC इन द एक्सियल डायरेक्शन। जो टेंसाइल फोर्स P1 है, जो टेंसाइल फोर्स यहाँ पे P1 है, ठीक है, तो ये किस पे एक्ट कर रहा है, और ये एक्ट कर रहा है सेक्शन FC पे इन द एक्सियल डायरेक्शन। अब उस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे इन टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन नॉर्मल टू द प्लेन FC, एक FC के नॉर्मल बनाएंगे और दूसरा हम अलोंग द लाइन FC। क्लियर है? मान लीजिए लेट PN क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स P1 नॉर्मल टू द सेक्शन FC। तो लेट PN को हम एज्यूम करते हैं कि भाई फोर्स P1 का कंपोनेंट है नॉर्मल टू द सेक्शन FC। P1 cos थीटा, तो PN इक्वल टू क्या हो गया, P1 इक्वल टू, यहाँ पे निकालेंगे PN इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे तो PN इक्वल टू P1 cos थीटा। क्या होगा? P1 cos थीटा, तो σ1 क्रॉस BC इंटू 1 इंटू cos थीटा, ठीक है। तो P1 इक्वल टू σ1 इंटू BC इंटू 1 हो गया। PT इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंशियल। तो फोर P1 का वह कंपोनेंट अलोंग सेक्शन ऑफ FC के अलोंग हम ब्रेक करेंगे, तो P1 sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे इसके लॉन्ग, तो यह आ जाएगा PT जो कि टेंजेंशियल होगा, तो PN साइन थीटा, ठीक है। P1 क्या है, σ1 BC इंटू 1 साइन थीटा। तो σN क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन FC। तो सेक्शन FC पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको PN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और σT हम बोल देंगे शियर स्ट्रेस, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा अक्रॉस द सेक्शन FC। देन नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, σN इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन FC बाय एरिया ऑफ सेक्शन FC। तो हमको फिर स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस, तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को। फोर्स हमने PN निकाल रखा है, उसका एरिया ऑफ सेक्शन क्या है, FC इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। σ1 इंटू BC इंटू cos थीटा, ये आपका PN हमने निकाल रखा है और FC, ठीक है। और हम BC की बात करें तो BC को हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे cos थीटा है ना, तो cos थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं ना, BH होता है, BC अपन FC, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, FC इंटू cos थीटा, यही पुट किया गया है, σ1 इंटू BC की जगह पे FC cos थीटा अपन नीचे FC और नीचे cos थीटा और है, ठीक है। ऊपर में FC से खत्म, तो आ गया σ1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस निकालना होगा, तो फोर्स अलोंग सेक्शन FC अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन FC, तो PT अपॉन FC, ये कट करा क्या जाएगा आपका, σT इज इक्वल टू σ1/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो PT यहाँ पे σ1 इंटू BC इंटू साइन थीटा अपॉन FC, तो BC की जगह पे हमने रख दिया क्या, FC cos थीटा, तो आ जाएगा σ1 cos थीटा साइन थीटा, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो 1D के केस में आ गया σN इज इक्वल टू σ1 इज इक्वल टू σN इज इक्वल टू σ1 cos स्क्वायर थीटा। अब σN को मैक्सिमम होने के लिए हम चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस ये आया मैक्सिमम हो जाए, तो cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा को क्या होना चाहिए, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लेन FC विल कंसाइड विद द प्लेन EF। तो जो प्लेन FC होगा वो कंसाइड कर जाएगा प्लेन BC, तो उस केस में जो σN मैक्सिमम होगा वो σ1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? हेंस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल एक्ट ऑन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लोडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा ऑन द प्लेन, किस प्लेन पे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लोडिंग। तो जो लोडिंग का प्लेन है, लोडिंग का आपका ये प्लेन है, लोडिंग का प्लेन है उसके नॉर्मल, ठीक है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल एक्ट ऑन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लोडिंग, लोडिंग के प्लेन के नॉर्मल जो आपका होगा उस पर एक्ट करेगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? अगर बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो σT इज इक्वल टू क्या हो गया, σ1/2 इंटू साइन 2 थीटा। फॉर σT टू बी मैक्सिमम, σT मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम वेन। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, यह मैक्सिमम तब होगा जब
वन हो सकता है मैक्सिमम साइन टू थीटा का वैल्यू, इसका मतलब साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है जब साइन 90 डिग्री होता है, इसका मतलब टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री, ठीक है। एंड सीयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम ऑन द प्लेन्स इंक्लाइन एट 45 डिग्री, तो सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, वह प्लेन जो इंक्लाइन होगा 45 डिग्री से या 135 डिग्री से, तो द नॉर्मल सेक्शन ई एफ और बी सी, बी सी के द नॉर्मल सेक्शन ई एफ है उससे 45 डिग्री या 135 डिग्री पे मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एक्ट करेगा, और कितना बराबर होगा, सिग्मा टी मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2, तो सिग्मा नॉर्मल मैक्सिमम कितना था, सिग्मा 1 के बराबर था, और अब इस प्लेन पे एक्ट करेगा बी सी पे एक्ट करता और उसे 45 डिग्री पे मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एक्ट करेगा, और जो कि सिग्मा 1 बाय 2 के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेन ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तो ये आपका था बी सी प्लेन, इसे 45 डिग्री घुमा देंगे, ये जो प्लेन आएगा यहाँ पे क्या होगा, आपको मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एक्ट करेगा। जो सेकेंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो होगा थीटा इक्वल टू 135 डिग्री पे, मतलब ये था, हम इसे घुमा देंगे 135 डिग्री, तो 90 ये 45 ये, तो इस प्लेन पे एक्ट करेगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा इन इक्वल टू सिग्मा कॉस ओमेगा थीटा और सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, क्लियर है, प्रैक्टिस है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टू डायमेंशनल अगर स्ट्रेस सिस्टम है, तो पहला जो सिस्टम है आपका, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है उस पर जो है मेंबर सब्जेक्ट कर रहा है लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस का, ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली हम डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट हम रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो टू डी केस में जो आपका सिग्मा नॉर्मल आएगा, ये आएगा, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आपका ये आपका सिग्मा वन इधर लग रहा है, सिग्मा टू इधर लग रहा है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री पे हमको किसी प्लेन है, ठीक है, तो नॉर्मल लगाना है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू कॉस टू थीटा, तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉर्मल का आ जाएगा फॉर्मूला इस थीटा एंगल पे, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम देखें टेंजेंशियल स्ट्रेंथ, तो ये आ जाएगा सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू साइन टू थीटा, ठीक है। और अगर निकालना पड़ेगा दोनों ही स्ट्रेस का रिजल्टेंट, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर अंडर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अगर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, ड्राइव करके हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पर ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू साइन टू थीटा। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन टू थीटा शुड बी, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या 135 डिग्री पे होगा, तो हेंस सीयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम ऑन द प्लेन्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड 135 डिग्री टू द प्लेन बी सी, ठीक है। और जो कि क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 के बराबर होगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया प्लेन ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, क्लियर है। तो ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस बोथ द नॉर्मल स्ट्रेस विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, अगर मान लीजिए ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, वह प्लेन जिस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, बोथ द नॉर्मल स्ट्रेस विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों ही जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, एंड इट विल बी द एवरेज ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये क्या होगा, दो प्रिंसिपल स्ट्रेस का एवरेज के बराबर होगा, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहा है, ये क्या होगा, एवरेज होगा नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस का, क्लियर है। सेकेंड केस है जब मेंबर इज सब्जेक्टेड टू प्योर सीयर, उस पर क्या हो रहा है, प्योर सीयर फोर्स लग रहा है। देखिए उस केस में क्या होगा, ये हम ये सब डेरिवेशन स्किप करते हैं, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट हम रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सिग्मा एन होगा, जो सिग्मा एन होगा ये होगा टाई साइन टू टा के बराबर, ठीक है। और सिग्मा टी मतलब टेंजेंशियल फोर्स, सिग्मा टी ये होगा माइनस टाउ कॉस टू थीटा के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा सिर्फ,
तीसरा केस ये बनता है कि वेन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में एक्ट कर रहा डायरेक्शंस अकंपनीड बाय शियरिंग स्ट्रेस, उसमें एक शियरिंग स्ट्रेस भी लग रहा है। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा मैं निकल के, इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, अगर चाहिए होगा तो आप लोग इसे देख सकते हैं पीडीएफ से। तो इस केस में जो आपका निकल कर आएगा सिग्मा एन, ये आपका सिग्मा एन आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन टू थीटा, ठीक है। अगर वाई सिग्मा टी निकालना, अगर से टेंजेंशियल निकालना पड़ेगा तो ये आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई इंटू साइन टू थीटा माइनस टाउ कॉस टू थीटा, क्लियर। प्रिंसिपल प्लेन क्या हो गया, द प्लेन्स ऑन विच सीयर स्ट्रेस जीरो, वह प्लेन जिसमें सीयर स्ट्रेस जीरो होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट करेगा उसे कह देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जीरो, अब हमको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेन का, भाई लोकेशन बताइए, तो क्या करेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम जीरो कर देंगे। फॉर प्रिंसिपल प्लेन्स क्या करेंगे, सिग्मा टी को जीरो करेंगे, सिग्मा टी क्या है, सिग्मा टी क्या है, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू साइन टू थीटा माइनस टॉ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जैसे ही हम जीरो करेंगे तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इंटू साइन टू थीटा इसका टू टाउ कॉस टू थीटा, तो साइन टू थीटा अपन कॉस टू थीटा इसको इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या होगा टाउ अपन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, जो क्या आ जाएगा टैन टू थीटा इसकल टू टू टी माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज गिवन बाय, वो क्या होगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो कुछ नहीं करना है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला हमने निकाला है इसी में थीटा की जगह पे हमको ये रखना पड़ेगा, यहाँ से थीटा निकल जाएगा और फिर यहाँ से कॉस टू थीटा और साइन थीटा निकाल के से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक मेजर आ जाएगा एक माइनर आ जाएगा। फिर अगर निकालना पड़ेगा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी सिग्मा टी अपॉन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिग्मा टी क्या है, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा माइनस टाउ कॉस टू थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे ठीक क्या हो जाएगा, ये प्लेन आ गया आपका अगेन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे ये आ रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखिएगा अंडर रूट हाफ अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड, तो इस पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या है, मोहर सर्किल मेथड बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूजिंग मोहर सर्किल मेथड वी कैन फाइंड नॉर्मल, हम निकाल सकते हैं क्या नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन पे ग्राफिकली। कैसे, पहला केस दिया हुआ कि व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस साइन, कोई मेंबर है जिसपे लग रहा है क्या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटीज, अनइक्वल इंटेंसिटीज का सिग्मा वन सिग्मा टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर बार जिसपे सब्जेक्ट हो रहा है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट ऑफ इक्वल अनइक्वल इंटेंसिटीज, क्लियर। वी मस्ट फाइंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ ऑब्लिक प्लेन, तो यहाँ पे सिग्मा वन क्या हो गया मेजर टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, सिग्मा टू माइनर टेंसाइल स्ट्रेस, थीटा हो गया एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन विद द एक्सिस, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होगा, इसको सिलेक्ट एनी पॉइंट ए एंड ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट, कोई भी एक पॉइंट ए सिलेक्ट करेंगे हम और उससे क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये मोर सर्किल हो गया, यहाँ पे ए हम ये करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। लोकेट पॉइंट बी एंड सी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट, अब इस तरह से बी एंड सी सिलेक्ट करेंगे सो दैट ए बी इज इक्वल टू सिग्मा वन, जो ए बी है ए बी इज इक्वल टू आएगा सिग्मा वन और ए सी जो आएगा आपका सॉरी ए बी जो आएगा सिग्मा वन आएगा यहाँ पे और ए सी क्या आएगा सिग्मा टू के बराबर आएगा, ठीक है। डॉट्स राइट फ्रॉम हिम कंस्ट्रक्ट अ सर्किल विथ ए बी सी एज डायमीटर, बी सी को हम डायमीटर लेके इसको क्या करके सर्कल बना लेंगे, लेट ओ बी जो सेंटर ऑफ सर्किल,
फ्रॉम पॉइंट ओ, अब ओ पॉइंट से क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ ई, ओ ई ड्रॉ करेंगे मेकिंग एंगल टू थीटा विथ ओ बी, जो कि ओ बी से क्या करेगा टू थीटा का एंगल बना रहा होगा। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ई डी, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ई डी फ्रॉम ई ऑन द ए बी, फिर लाइन करेंगे ज्वाइन करेंगे लाइन ए को, ए को हमने ज्वाइन कर दिया ठीक है। ए डी विल रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस, ए डी क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा एंड ई डी विल रिप्रेजेंट टेंजेंसी। तो सिंपल याद रखिएगा जो ए आपका ए डी है ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल स्ट्रेस और ए डी रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंसी स्ट्रेस। ए विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन ठीक है। सिग्मा वन हो गया, ये सिग्मा टू हो गया। चलिए अब मोहर सर्कल से क्या होगा, लेंथ ए डी, ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ए डी, इसको रब कर देते हैं। तो जो ए डी है ये वाला पोर्शन, यहां से ये ए डी क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, जो ऑब्लिक प्लेन हम लिया है थीटा एंगल पे उस पर नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ ए डी है उसी ऑब्लिक प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ ए है, जो लेंथ आपका ए हो गया रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन है ठीक है। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस। रेडियस ऑफ मोर सर्किल की बात करें तो ये आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ये सिग्मा वन आ गया माइनस सिग्मा टू बाई टू, तो ये आपका रेडियस और फाइव हो गया ऑब्लिकिटी। नॉर्मल स्ट्रेस इज अलॉन्ग द लाइन ए सी बी, जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये लाइन किस लाइन के अलॉन्ग होगा, ए सी बी के अलॉन्ग होगा, इस लाइन के अलॉन्ग होगा ठीक है, देख सकते हैं इसको। हेंस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी व्हेन पॉइंट ई इज एट बी, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे होगा जब ई पॉइंट जो है ई इस पॉइंट पे आ जाए, ई जो है बी पे आ जाए ठीक है। एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा जब पॉइंट ई जो है सी पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। हेंस द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज ए बी सिग्मा वन, और जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो आपका ए बी सिग्मा टू के बराबर होगा ठीक है। अगर बात करें टेंजेंशियल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस इज अलॉन्ग अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी बी, जो सी बी के परपेंडिकुलर होगा। हेंस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस विल बी व्हेन परपेंडिकुलर टू लाइन सी बी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ, दस मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल्स ठीक है। टाउ मैक्स इक्वल क्या होगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू हो गया क्लियर। द एंगल फाई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी विल बी द मैक्सिमम व्हेन द लाइन ए इज टेंजेंशियल टू मोर सर्कल, जो लाइन ए अगर टेंजेंशियल हो जाए मोर सर्कल पे, मतलब ये ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आ जाए टेंजेंशियल होकर निकल जाए तो उस केस में बोलेंगे ऑब्लिकिटी जो है मैक्सिमम है ठीक है। व्हेन पॉइंट इज एट बी और सी, जो पॉइंट ई बी और सी पे होगा उसके में सीयर स्ट्रेस क्या होगा जीरो होगा। दूसरा केस क्या बोला है कि जब मेंबर सब्जेक्ट हो रहा है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस भी है एकॉम्पनीड बाय सिंपल सीयर स्ट्रेस, सिंपल सीयर स्ट्रेस भी लग रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, कंसिडर है रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटीज फॉलोड बाय अ सिंपल सीयर स्ट्रेस, तो इस केस में क्या है सिंपल सीयर स्ट्रेस भी एक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है सीयर स्ट्रेस ठीक है, सिग्मा वन सिग्मा टू एक्ट कर ही रहा ठीक है। तो इस केस में वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, तो ऑब्लिक प्लेन में निकालना है तो सिग्मा वन मेजर टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, सिग्मा टू माइनर टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, टाउ हो गया सीयर स्ट्रेस ऑन फेस ए बी सी और ए डी, बी सी और ए डी पे आपका ये हो गया सीयर स्ट्रेस हो गया, और एंगल थीटा क्या हो गया एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन विद द प्लेन ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस। प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्किल, तो क्या प्रोसीजर है अगेन स्टार्ट करेंगे, कोई पॉइंट हमने ए सिलेक्ट किया है और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोकेट पॉइंट बी एंड सी ऑन ए बी, ए बी पे हम ड्रॉ करेंगे बी एंड सी सच दैट द ए बी इक्वल टू सिग्मा वन होगा और ए सी इक्वल टू सिग्मा टू होगा, टॉर्स राइट फ्रॉम ए चूज सुटेबल स्केल, अगेन वही है ए सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने क्या किया बी और सी, तो ए बी क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा वन हो गया और ए सी हो गया आपका सिग्मा टू ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी एंड सी, बी और सी से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ठीक है, एंड कट ऑफ बी एफ एंड सी जी, एंड कट ऑफ बी एफ एंड सी जी को कट करेगा, कहाँ पे है बी एफ, ये आपका बी एफ हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ठीक है, इसको मिला देंगे
लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मान लीजिए बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ सर्किल विथ ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए हम ओ जी और ओ ऑफ के रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम ओ ड्रॉ लाइन ओ ई, ओ ई ड्रॉ करेंगे मेकिंग एन एंगल ऑफ टू थीटा विथ ओ एफ, जो ओ एफ के साथ क्या बनाएगा, टू थीटा एंगल बनाना होगा। ठीक, ओ एफ, ओ एफ है, ठीक है, तो ओ ई हमने ड्रॉ किया और ये टू थीटा एंगल बन रहा है। ड्रॉप परपेंडिकुलर ई डी फ्रॉम ई टू सी, ई से सी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर हम ए को ज्वाइन करेंगे। ए डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस एंड ए डी विल रिप्रेजेंट टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्लियर है। ए विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्लिक प्लेन पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। तो फ्रॉम मोर सर्किल से जो लेंथ ए डी आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा ऑन ऑब्लिक प्लेन, जो लेंथ ई डी आएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन, लेंथ ए आएगा वो क्या जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन। अगर बात करें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा तो सिग्मा एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय ए डी, नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपको ए डी से मिल रहा है, ए डी से इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डी विल बी मैक्सिमम व्हेन डी कोइंसाइड विद एम, अगर डी कोइंसाइड कर गया एम से, डी कोइंसाइड हो गया एम के साथ तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डी विल बी व्हेन डी कोइंसाइड विद एल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एम, ए ओ सेंटर तक फिर ओ एम, क्लियर है। ए ओ क्या हो गया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस ओ एफ, ये रेडियस के बराबर हो गया, और सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू और ओ एफ इसका लुक क्या होगा, ओ एफ, तो ये हो गया ओ बी बराबर स्क्वायर अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ बी एफ ओ एफ इसका टू, ठीक है। सिग्मा वन अपर सिग्मा वन प्लस पर टू इसको करेंगे तो ये आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू, सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू माइनस अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो पॉइंट डी कोइंसाइड विथ एम, जो पॉइंट डी है वो क्या कर रहा, कोइंसाइड करेगा एम के साथ, बट व्हेन द पॉइंट डी कोइंसाइड विथ एम द पॉइंट ई आल्सो कोइंसाइड विथ एम, हेंस फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंगल टू थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा बाय टू, टैन थीटा इक्वल टू अल्फा आ गया, ये आ गया टू टाउ अपन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस द सीयर स्ट्रेस इज जीरो, सीयर से जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड हेंस द प्लेन्स ऑन विच मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स एंड द स्ट्रेसेस आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्लियर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर अ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस द पॉइंट डी कोइंसाइड्स विद पॉइंट एल, बट व्हेन द पॉइंट डी कोइंसाइड्स विद एल द पॉइंट ई आल्सो कोइंसाइड्स विद एल, देन एंगल टू थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस अल्फा बाय टू। Now we can say that the plane of minimum normal stress is inclined at an angle of 90 degree to the plane of maximum normal stress. समझ में आ गया होगा? अगर बात करें shear stress का निकालें maximum value, तो shear stress is given by ED. ED कहाँ पे है? ये आपका हो गया ED, ठीक है? ये वाला part straight line. तो shear stress provide कर रहा, ठीक है? Hence, maximum values of ED will be when E coincides with G and D coincides with O. So, maximum shear stress kya hoga? Sigma T max is equal to OH is equal to OF or under root OB square plus OF square. ठीक है? दिया जाएगा sigma under root sigma 1 minus sigma 2 whole square plus tau square. ठीक है? तो points to remember क्या हमें याद रखना है? तो transformation of using stress stress using एनालिटिकल मेथड्स, अगर 1D स्ट्रेस सिस्टम है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिग्मा T इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिग्मा 1 बाय 2 sin 2 थीटा होगा। अगर 2D सिस्टम है व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेसेस
एक्ट्स इन मेच्योरली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अगर जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो मेच्योरली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे एक्ट हो रहा है, तो सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा हो जाएगा, और सिग्मा टू क्या होगा, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू साइन टू थीटा हो जाएगा। व्हेन ओनली शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा तो सिग्मा एन स्क्वायर टू क्या होगा, टाउ साइन टू थीटा हो गया। सिग्मा टी स्क्वायर टू क्या हो गया, टाउ कॉस टू थीटा। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस एक्ट करेगा इन मेच्योरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और साथ में सीयर स्ट्रेस भी है, तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा टी क्या होगा, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ कॉस थीटा हो गया। टैन टू थीटा क्या होगा, टू टाउ अपन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। अगर बात करें मिरर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, तो क्या होगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू माइनस अंडर रूट प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेजर और माइनर। ठीक है, अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, और मैक्सिमम सीरियस स्ट्रेस निकालना होगा तो हाफ अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस फोर टाउ स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एनालिटिकल मेथड ऑफ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, तो ये आसान है बिल्कुल, जैसे हम स्ट्रेस करते हैं वैसे ही सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, बस एक थोड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ पे सपोज एन एलिमेंट इज सब्जेक्टिव, अगेन आपका डेरिवेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो आपको जब यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गया एप्सिलॉन पी वन इक्वल टू एप्सिलॉन वन प्लस टू अपन टू प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू अपन टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू। यहाँ पे फाइव बाई टू आ गया सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर टाउ स्क्वायर था उस समय सीरियस स्ट्रेस में, लेकिन टाउ को हम कर देंगे फाइव बाई टू से कर देंगे। तो सिंपल है, वहाँ के फॉर्मूला में सिग्मा वन को कर देंगे एप्सिलॉन वन से उसको रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा टू को हम एप्सिलॉन टू से कर देंगे, और सिर्फ टाउ को कर देंगे फाइव बाई टू से। ठीक है, ये सीयर स्ट्रेन हो गया फाइव, सब जगह वहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, स्ट्रेन रॉसेट क्या होता है, तो स्ट्रेन गेजेस आर यूज टू मेजर नॉर्मल स्ट्रेन ऑन द सर्फेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बार, बार या किसी एलिमेंट पे सर्फेस पे अगर हम नॉर्मल स्ट्रेन मेजर करना होगा तो स्ट्रेन गेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। सिंस गेजेस मेजर नॉर्मल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन गेजेस है वो क्या मेजर करता है, नॉर्मल स्ट्रेन मेजर करेगा इन ओनली वन डायरेक्शन मेजर करेगा। वी मस्ट ऑलवेज यूज दिम इन कॉम्बिनेशन विद गेजेस अटैच्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। वेन थ्री गेजेस आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल पैटर्न पर्टिकुलर पैटर्न, जब तीन गेज अरेंज होगा पर्टिकुलर पैटर्न में, इसको बोलेंगे स्ट्रेन रॉसेट बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। नाउअडेज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेजेस आर यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल फाइन वायर विच इज कनेक्टेड टू द सर्फेस ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, दीज गेजेस आर सेंसिटिव इन नेचर एंड कैन मेजर स्ट्रेन एज स्मॉल एज 1 × 10⁻⁶। अगर बात करें 45 डिग्री स्ट्रेन रॉसेट की बात करें तो इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर रॉसेट। इसको क्या बोलते हैं, 45 डिग्री वाले को इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रॉसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक हो गया एप्सिलॉन ए, फिर 45 डिग्री पे एक लगा देंगे स्ट्रेन गेज, और एक उसके 45 में 90 डिग्री पे लगा देंगे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रेन गेज। डायरेक्टली हम स्ट्रेन गेज से निकाल सकते हैं ए एंड सी से। टू डिटरमाइन स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन फाइव वी यूज स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे एप्सिलॉन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाई टू प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी बाई टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे तो वी गेट एक्स एप्सिलॉन बी। ठीक है, तो उसमें पुट करके हम आगे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये 60 डिग्री वाला है, यहाँ पर 60 डिग्री पे प्लेस हो जाएगा, 60 60 प्लेस हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लेके हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा सेक्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे आगे के चैप्टर से आपका इलास्टिक थ्योरी वाला। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।